करेंगे दूसरे प्राणायाम के बाद तीसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच में बैठे हुए हमारे योगी जी, हम चाहेंगे भ्रामरी प्राणायाम करने का तरीका बताएंगे और हम लोग मिलकर के अभ्यास भी करेंगे। आइए सभी लोग अपने अपने हाथों को ऊपर उठाएं और कान की कुंडली, ये कान की कुंडली है ना, टेपी इसको बोलते हैं, तो इसको अंगूठे से ऐसे बंद कर दें, फिर दूसरे तरफ से बंद कर दें। अभी हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से आपकी याददाश्त शक्ति मजबूत होगी, गुस्सा शांत होगा आपका, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी आपको, जिनको रातों में नींद नहीं आता है, अनिद्रा की बीमारी होगी घर परिवार में उनको बताएंगे, उनको अनिद्रा की बीमारी होगी। तो आइए दो उंगली ऐसे कपाल पे ललाट के रखेंगे, तीन उंगलियों को अपने आंखों पे रखेंगे, आंख बंद होगी, एक बार देख लेंगे शरीर और होंठ बंद रहेगा, दांत एक दूसरे से सटा नहीं हो, दांत खुला हो, होंठ बंद हो ऐसे, और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। सभी बच्चे एक बार देख लें, उसके बाद करेंगे। नीचे आइए, हाथ को नीचे कर दीजिए। अब